कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो दोये सवसा मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् श्रीमत्परम गंभीर सद्वादामोघलांचनम जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिनशासनम जासनम जिनशासनम शासनम जिनशासनम आतंबने परमात्मा शांति सारे देश में है देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश। देखिए समय काफ़ी हो चुका है थोड़ी देर के लिए हम आप लोग यहाँ थोड़ा सा प्रसंग श्रुत पंचमी पर्व से संबंधित और हम आप लोगों के लिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की जो पावन प्रस्तावना महाभाग्यशाली जीव हम आप लोग यहाँ संजोए रहे हैं उनके संदर्भ में ही यहाँ थोड़ी चर्चा करते हैं। एक बहुत मार्मिक विषय की चर्चा कुछ मिनटों के लिए ही यहाँ अपन करेंगे। आचार्य धर्सेन देव पुष्पदंत आचार्य और भूतबली आचार्य धर्सेन आचार्य तो श्रुत धर आचार्य हैं ही अरहत बलि के वहाँ आचार्य अरहत बलि महिमा नामक नगर में आंध्र प्रदेश में जब महाअभियोग प्रतिक्रमण जो अपूर्व प्रतिक्रमण सारे संग सारे साधक सारी पीछी जहाँ इकट्ठी होती वहाँ वे सारे इकट्ठे हुए और इधर आचार्य धर्सेन देव को स्वप्न में जो दिखा ये हम आप सभी जानते हैं। लेकिन श्रुत विस्मृति की चिंता उस चिंता को लेकर के वहाँ से उन्होंने चिट्ठी लिखी और वहाँ से दो महान विचक्षण ऐसे आत्मसाधक संत धर्सेन आचार्य के चरणों में जाकर के उपस्थित हुए। तो सारी घटना हम आप लोगों को पता है सुनी भी हैं। एक दो बातें खास
आज मध्याह्न के कुछ साहित्य अवलोकन में बातें आई, खास करके बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं, युवा मित्र भी हैं। देखिए, षटखंडागम ग्रंथ को कहा जाता है प्रथम श्रुतस्कंध, बराबर, और समय सार आदि ग्रंथों को, परमागमों को कहा जाता है द्वितीय श्रुतस्कंध, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं समझना पहली बार लिखा गया इसलिए उसका नाम प्रथम श्रुतस्कंध, और ये बाद में लिखे गए हैं इसलिए इनका नाम द्वितीय श्रुतस्कंध, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत जोरदार आगम प्रमाण की बात करें, पहला पंचास्तिकाय जो है ना, पंचास्तिकाय में सर्वप्रथम पांच अस्तिकाय पदार्थों की चर्चा है, बराबर, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। काल क्यों नहीं बोला अपन ने? बहुत बढ़िया, क्योंकि वह अस्तिकाय नहीं है, बहुत बहुत प्रदेश उसके नहीं है, एक प्रदेश ही है ना वो। तो पांच अस्तिकाय पदार्थों की चर्चा सबसे पहले की, पहले अध्याय में। कैसा आश्चर्य लगता है, इतने छोटे छोटे बच्चे इतने जोरदार तैयार है, ये तो चार चार पाँच पाँच साल शास्त्री होने के बाद दिमाग में बात घुसती है, और ये तो देखो आप अभी उगी आए हैं, तो उस पहले अध्याय के तत्काल बाद आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में एक बात लिखी, इति प्रथम श्रुतस्कंध। अब प्रथम श्रुतस्कंध पूरा होता है, पहले अध्याय को वहाँ पांच अस्तिकाय पदार्थों के विवेचन के तत्काल बाद लिख रहे हैं, हम प्रथम श्रुतस्कंध की इतिश्री करते हैं। दूसरी बात, दूसरा अध्याय है नौ पदार्थ, बराबर, नौ पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपंच, फिर वो तो चूलिका वाला प्रकरण अलग है मोक्ष मार्ग का, लेकिन नौ पदार्थों का वर्णन किया दूसरे अध्याय में। उस दूसरे अध्याय के अंत में लिखा इति द्वितीय श्रुतस्कंध, क्या कहा, इति द्वितीय श्रुतस्कंध। थोड़ा बहुत भी गहराई से आगम का अभ्यास जो करते हैं उनका तो हृदय बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाए, वहाँ उसको उन्होंने श्रुतस्कंध कहा, पहले अध्याय को उन्होंने श्रुतस्कंध कहा और दूसरे अध्याय को भी उन्होंने द्वितीय श्रुतस्कंध कहा, पहले को प्रथम श्रुतस्कंध। तो पहले अध्याय में जो वर्णन है वो छह द्रव्यों का जो वर्णन है, पांच द्रव्यों का, अस्तिकायों का जो वर्णन है वो ज्ञान प्रधान आगम शैली में है, क्या कहा, वो ज्ञान प्रधान आगम शैली में है, और आगम शैली कहलाती है प्रथम श्रुतस्कंध, क्या कहा, बिल्कुल गांठ बांध के रखना बेटा, शाश्वत धाम जिंदाबाद, हाँ, कि आगम शैली, ज्ञान प्रधान आगम शैली जो है वो विषय कहलाता है प्रथम श्रुतस्कंध, वो प्रथम कक्षा का, समझो ना, फर्स्ट स्टेप है वो, बराबर। और उस आगम को पढ़कर उसमें से क्या निकालना, पंडित जी साहब के वचनों के माध्यम से मैंने कही थी ना, सिद्धांत में से आचरण निकालना सीखो, आगम में से अध्यात्म निकालना सीखो। तो पहले उस श्रुतस्कंध रूप प्रथम अध्याय जो पांच द्रव्यों वाला विषय है, अस्तिकाय वाला विषय कहते हैं उनमें बात तो आ गई, लेकिन वो बात नहीं आई जो दूसरे अध्याय में आई, क्योंकि जीव, अजीव, आश्रव, बंद, संवर, निर्जरा और मोक्ष, सात तत्वों के माध्यम से नव तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे बतलाती, हाँ, समझ में आ रही बात, नव तत्व गतत्वे अपि यत एकत्वम न मुंचति वाली जो बात है वो द्वितीय श्रुत स्कंध में आई। देखिए, मैं पंचास्तिकाय की बात कर रहा हूँ, केवल प्रथम श्रुत स्कंध और द्वितीय श्रुत स्कंध के अर्थ को समझाने के लिए, पहला आगम ठोस होता है और आगम में से निकाला जाता है मक्खन जिसका नाम है अध्यात्म,
इसलिए आगम की धारा कहलाती है प्रथम श्रुत स्कंध और अध्यात्म की धारा कहलाती है द्वितीय श्रुत स्कंध। और एक गजब की बात, कषाय प्रावृत जो है ना पिताश्री, कषाय प्रावृत जो है वो अध्यात्म धारा मानी जाती है। कषाय प्रावृत यति वृषभ आचार्य ने जिसकी टीका लिखी, गुणधर आचार्य जो पुष्पदंत और भूतबलि की षटखंडागम से पहले कषाय प्रावृत की रचना गुणधर आचार्य ने की थी, बात समझ में आ रही है? तो षटखंडागम से पहले तो कषाय प्रावृत ही लिखा गया था वैसे देखा जाए तो, उसमें तो भाव कर्म की चर्चा, कषायों की चर्चा, जय धौला के 16 भाग पेज दोष पाहुड़ के वे ज्ञाता थे, अंगधर अंग के कुछ अंश के ज्ञाता थे, केवली हुए तीर्थंकर, उसके बाद अनुबद्ध केवली हुए, द्वादश अंग के पाठी हुए, फिर 11 अंग के धारी हुए, फिर कुछ 9 पूर्व के धारी हुए, कुछ 5 पूर्व के धारी हुए, कुछ एकाध पूर्व के धारी हुए, और फिर काल के गाल में सारा चला गया, उसके बाद अंग के कुछ ही अंश के ज्ञाता रहे, ऐसे थे आचार्य धर्मसेन देव। कुछ अंश के ज्ञाता, गोमट सार में गाथा आती है, ज्ञान में तो अनंत जानने में आता है, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का, तो अनंत जानने में आता है, लेकिन जड़ वाणी दिव्य ध्वनि केवल अनंत वा भाग मात्र कह पाती है। क्या कहा? ज्ञान में अनंत जानने में आता है, लेकिन वाणी में तो मात्र अनंत वा भाग केवल कहने में आता है। और गजब की बात तो सुनिए ध्यान से, आप क्या लिखा है गोमट सार में, और वो जो झेलते हैं, जो झेल पाते हैं गणधर, वो वाणी में जितना आता है अनंत का अनंत वा भाग, अनंत का अनंत वा भाग जो आता है, उस अनंत वे भाग का तो असंख्यात वा भाग मात्र गणधर झेल पाते हैं। और एक स्टेप आगे बाकी है, वो जितना असंख्यात भाग झेल पाते हैं उसका असंख्यात भाग तो वे केवल लिख पाते हैं, और वहां से फिर परंपरा अपने पास आई तो अब अपने पास कितनी सी बची, इतनी सी बची, कितनी सी बची, हाँ इतनी सी बची ना, फिर भी वह अपने आप में परिपूर्ण है। क्या कहा मैंने? फिर भी वो अपने आप में क्यों मालूम? हाय श्रद्धा में भगवान आज मैं धन्य हुआ। क्या कहा? हाय श्रद्धा में भगवान आज मैं धन्य हुआ, अनुभव में आत्म राम। बोलिए आज मैं धन्य हुआ, मुझे इस जग से क्या काम, आज मैं धन्य धन्य हुआ, आज मैं। ये है ये जो श्रुत हम आप लोगों को मिला है वो अपने आप में धन्यता प्रदान करने वाला। तेरी अस्ति मेरी बस्ती, तेरी अस्ति मेरी बस्ती, मेरी अस्ति तेरी बस्ती, ऐसी करो प्रभु की भक्ति, ऐसी करो प्रभु की भक्ति, आज लगा लो सारी शक्ति, आज लगा लो सारी शक्ति, अब भ्रमण पे लगा विराम, आज मैं धन्य हुआ, अब भ्रमण पे लगा मेरा माज में धन्यवाद। कषाय प्रावृत मोह राग द्वेष जीव के अंतरंग परिणाम है, अशुद्ध निश्चय में से उनका कर्ता जीव स्वयं है,
अपने विकारों का कर्ता जीव स्वयं है, उनके अभाव का भी उद्यम जीव को स्वयं को ही करना पड़ेगा। इसलिए कषाय पाहुड़ भी आगम शैली में लिखे हुए होने के बाद भी वह अध्यात्म धारा की है। तो एक आगम की धारा शतखंडागम, दूसरी कषाय प्रावृत्त की धारा, अध्यात्म की धारा। अब तीसरी बात सुनिए ध्यान से। अब आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं, तुम द्रव्य कर्मों के महाभारत को भी जान करके निकालोगे क्या, और मोह राग द्वेष आदि कषाय भावों में से भी निकालोगे क्या? हम परम अध्यात्म की बात करते हैं। क्या कहा? हम तो परम अध्यात्म की बात, आत्मा अबद्ध है, अस्पृष्ट है, अनन्य है, अविशेष है, अरे वह असंयुक्त है, अव्यक्त है, अरस है, अगंध है, अस्पर्श है, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी, ऐसा मैं भगवान आत्मा, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, एक व्यायक भाव है। इस रीत शुद्ध कथाय पण ज्ञात हो तो होइए, ऐसा ज्ञायक स्वभाव ही भगवान आत्मा की परम अध्यात्म की बात आचार्य कुंद देव ने निकाली। इसलिए समय सार आदि पंच परमागमों की पद्धति कहलाती है द्वितीय शुद्ध संग। ऐसा नहीं समझना कि वो दो नंबर सेकंड रैंक वाला है, ऐसा नहीं, वो ही वेरी फर्स्ट रैंक वाला है, क्योंकि हमें षटखंडागम आदि पढ़ करके भी निकालना क्या है उसमें से। हाँ, चलिए आनंद लेंगे। ये मार्मिक बात सुबह समय के अभाव में कहनी बाकी थी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये आपके शिविर की सार्थकता है। शुद्ध पंचमी के दिन ये बात आपको सुनने मिल रही है। आचार्य धर सेन जोन ग्रंथ लिखाते, बोलिए, आचार्य श्रीधर सेन जोन ग्रंथ लिखाते, हम जैसे बुद्धिहीन तत्व कैसे लहाते, हम जैसे बुद्धिहीन तत्व कैसे लहाते, अपने अलौकिक ज्ञान से सब भेद जान कर, अपने अलौकिक ज्ञान से सब भेद जान कर, बुलवाए दो मुनिराज की महिमा नगर खबर, बुलवाए दो मुनिराज की महिमा नगर खबर। देखना, कभी भी किसी भी वस्तु की महिमा, अरविंद जी, किसी भी वस्तु की महिमा हमें कब आती मालूम? ऐसी कल्पना करना, वे न होते तो। जैसे बालों की महिमा कब आती है? प्लेटफॉर्म साफ होने के बाद, बराबर संजय जी? बालों की महिमा कब आती है? जब वो दीक्षा लेने लगते हैं, तब प्लेटफॉर्म साफ होने के बाद। अति परिचयते होत हैं बहुत अनादर भाव, मलयागिर की भीलनी चंदन देत चला है। जब सब कुछ होता है तब उसकी महिमा हमें आती नहीं है। जैसे कहते हैं ना गुरुदेव श्री के बारे में, नहीं कहते, पूज गुरुदेव न होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। जैसे घर में बर्तन मांगने वाली आती हो ना काम वाली, जिस दिन वो नहीं आवे तो महारानी जी को ऑन ड्यूटी, हाँ, रह रह करके माला किसकी करेंगे अपन, आज नहीं आई, आज नहीं आई। ऐसे गर्वे नहीं मुनिराज, देखो, गर्वे नहीं मुनिराज युगल ऐसे बुलाते, हम जैसे बुद्धिहीन तत्व कैसे लाते, आचार्य श्रीधर सेन जोन ग्रंथ लिखाते, हम जैसे बुद्धिहीन तत्व। चलिए बच्चों के हिसाब से सारी कथा है इसमें, देखिए, आने से पहले स्वप्न में ही योग्य जान कर, आने से पहले स्वप्न में ही योग्य जान कर, दो मंत्र सिद्धि द्वारा फिर परखा प्रधान कर, दो मंत्र सिद्धि द्वारा फिर परखा प्रधान कर। देखो,
उत्तीर्ण होकर योग्यता, उत्तीर्ण होकर योग्यता, वे गर्न दिखाते हम जैसे बुद्धिहीन तत्व कैसे लाते, हम जैसे बुद्धिहीन तत्व कैसे ला। पश्चात पढ़ाया उन्हें निज शिष्य मान कर, पश्चात पढ़ाया उन्हें निज शिष्य मान कर, उनने भी ग्रंथ लिखा गुरु उपकार मान कर, उनने भी ग्रंथ है लिखा गुरु उपकार मान कर। देखिए ये दो पंक्तियों में इतना अंतर है जितना कानपुर और नागपुर, बहुत बड़ा अंतर है। मालूम क्या हुआ, धवला जी में ऐसा लिखा कि धरसेन आचार्य ने दोनों शिष्यों को ज्ञान तो दे दिया और तत्काल कहा यहाँ से विदा हो जाओ, यहाँ नहीं रहना। सोच सकते हैं क्यों नहीं रहना, क्योंकि ऐसे गुरु ने हमें ज्ञान दिया, अब वे तो देह विसर्जन करने वाले हैं, हम जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया था, तुम्हारा गोल, तुम्हारा ध्येय, तुम्हारा श्रद्धेय, समझ में आ रही बात, कहीं तुम चूक न जाओ, इसलिए खबरदार हमारे पास नहीं रहना। उसमें लिखा है, एक वाक्य लिखा है धवला जी में, गुरोर आज्ञा अनुलंघनीयम, ये दर्शन आचार्य ने बोला, गुरु की आज्ञा का तुम उल्लंघन, क्या है गुरु की आज्ञा, तुम यहाँ नहीं रहोगे, यहाँ से निकल जाओगे। और भाई साहब धौला जी में ऐसा लिखा है, फिर वो पुष्पदंत जी के भांजे, पुष्पदंत जी के भांजा था उनका, ये दोनों मुनि युगल, उनका भांजा पुष्पदंत को लेकर के वहाँ से निकल गए, भूतबली अकेले पड़े और वो निकल गए वहाँ से, अभी एक भी मंत्र, एक भी श्लोक, एक भी गाथा नहीं लिखी गई। पुष्पदंत आचार्य को लगेगी भूतबलि लिखेंगे और भूतबलि को लगे पुष्पदंत लिखेंगे, ऐसी कहानी है पूरी। पहले आप वाली बात है, अब बड़े तो बड़े ही होते हैं, झुकना किसको पड़ता है, छोटे को, बड़े को, बड़े ही झुकेंगे भाई, चलो ठीक है भाई। फिर वो पुष्पदंत आचार्य ही धवला जी उसकी छठखंडागम की रचना प्रारंभ की उन्होंने, और कुछ एक मंत्र, कुछ एक सूत्र लिख करके, सूत्र मात्र लिख करके, फिर वो रख रखा करके शिष्यों के माध्यम से भूत बलि के पास पहुंचा दिया और इधर काल के गाल में खुद समा गए। और उसके बाद जो पुष्प भूत बलि आचार्य ने उसकी पूरी की पूरी रचना करते गए, रचना करते गए, और क्या महाबंध का विस्तार साथ साथ भागों में किया। जब आचार्य वीरसेन के सामने वो सारा आया तो वीरसेन आचार्य को लगा कि हम तो भाई 5 खंडों के ऊपर ही धवला नाम की टीका लिख पाएंगे, हमारी बस की बात नहीं है कि हम महाबंध के ऊपर कुछ करें। मतलब देखो आप कैसी गजब गजब की घटनाएं होती हैं। बीच में एक और बात याद आ रही मुझे, ये धवला टीका को धवला टीका क्यों कहते हैं, सफेद ताड़पत्र के ऊपर लिखा होगा प्रवीण जी, सफेद ताड़ पिताश्री बताइए। अरे नहीं, उनकी जो बुद्धि थी, आज अपन ने पढ़ा पूजा पीठिका में बात थी, ऐसी धवल कीर्ति थी उनकी, इतनी स्वच्छ निर्मल पारदर्शी विद्या थी उनके पास, इसलिए उनकी लिखी गई टीका को भी नाम दिया गया धवला। और श्रवण बेलगोला में आज की तारीख में श्रवण बेलगोला में एक तीर्थ स्थान बना हुआ है, एक अध्ययन का केंद्र बना हुआ है, उस तीर्थ का नाम रखा गया है धवल तीर्थ, धवल तीर्थ उसका नाम है, जहाँ से कन्नड़ भाषा में अभी अभी छप रहे हैं, छप गए कब के, लेकिन हिंदी के तो सबसे पहले अपने पास आ गए, हिंदी भाषा में तो 40-40 साल की तपस्या के बाद अपने पास, बराबर। इस प्रकार से इसका सारा इतिहास है, बाकी तो समय का अभाव है, बहुत सुंदर सुंदर बातें, रोमांचक, अपने को जो भी जिनवानी मिली हैं
हम आप लोग इसकी जितनी भी आराधना करें उतनी कम है। इनकी महिमा को हम आप लोग विचारते हुए समर्पण भाव से इस पर्व का अभिनंदन करें और आत्मधर्म का महामंगलमय स्वागत करें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धि। और अभी हम वहां बैठकर निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है। वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरण गहे सुपावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक सदा देत हो